तिरंगे का अपमान पड़ेगा महंगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? अरे यार, इस सब पर बाद में बतियाएंगे, पहले गाना लगाओ। देखिए, एक जनी के लड़का भइल बा। अच्छा, पूरा घर खुशी के माहौल में बा। बताओ, अभी ढंग से लगन खत्म भी नहीं हुआ और बच्चा हो गया। हाँ, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। साले, बच्चा लुटेरा होता है और नहीं तो क्या। बाप की बरसों की कमाई कौन लूटता है, बेटा ही तो लूटता है ना। तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पवन सिंह का चप्पल, आई मीन चप्पल विवाद। अच्छा, मगर उससे पहले हम बात करेंगे हमारी ड्रीम गर्ल कलुआ के बारे में। क्या कलुआ? कलुआ को नहीं जानते? नहीं, क्यों आदमी कलुआ को नहीं जानता, वो दुनिया को नहीं जानता। तो चलो ना यार, लगन में लहरिया लूटना बंद करके राजा को बहरिया भेजने का शुरू करते हैं सफर, और स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भसड़। अच्छा, पीएम हुई है? नहीं देख रहे हो, अभी से मोदी जी की गद्दी छीनने की साजिश हो रही है। पता है ना आप सबको, मोदी जी के समर्थक सतर्क हो जाओ, चेतावनी है ये। जिनको जान गंवानी पड़ेगी। और हाँ, नीतीश कुमार, आदित्यनाथ योगी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, देश में जितने भी सीएम है ना, सबके समर्थक सतर्क हो जाओ, क्योंकि बात सीएम की भी हो रही है, खतरा तुम्हारी कुर्सी पर भी है। हम गधे? क्या क्या? छी 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 छी। और कुछ बनाना बाकी है मैडम? वो भी बना दो। अरे होई है वाई सच्चा सलारा, यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के नुहो। देख रहे हो, इतना खतरनाक डिमोशन तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। नहीं मतलब पीएम से डायरेक्ट मेयर। ऐसे ही बच्चे लास्ट में चपरासी बनते हैं। नहीं मतलब बच्चा भी गोद में से सोच रहा होगा कि साला किस कंफ्यूज्ड फैमिली में पैदा हो गया। अरे कोई एक पोस्ट बताओ जिसकी मैं तैयारी कर सकूं, नहीं तो बिहारी तो है ही हूँ, यूपीएससी जिंदाबाद है। वो सब तो ठीक है, मगर ये टिकटॉक वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करें बेचारे, जब से टिकटॉक बंद हुआ है तब से बेरोजगारी ने ऐसा चपाट मारा है कि बेचारों को पेट पालना दुश्वार हो गया है। तो जहाँ भी दो रोटी का जुगाड़ देखते हैं वही लहंगा साड़ी पहन के पहुँच जाते हैं। अरे लहंगा साड़ी तो ठीक है, मगर ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर कौन साड़ी पहनता है बे? हेलो। हाँ सोना, बोला। कहो, दो साल प्यार कैला हो गई है? दो साल प्यार कैला हो गई? तब तो जंग लग गया होगा, सर्विसिंग की जरूरत है। दस लाख के चाही चढ़े के कार। दस लाख कार, ये तो फिर सीधे सीधे दहेज वाली बात हो गई। का? दहेज लगेगा ना, तो फिर ये में ब्याह को लेबू। दहेज नहीं जे घंटा लिया। आ ससुरा, देखो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। अपराध तो जवानों को किसानों से लड़ाना भी है, बेटा बाप पर लाठियां भाज रहा है, अब यही दिन देखना तो बाकी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जागो ग्राहक जागो, लड़की लेकर भागो। लड़की लेकर भागो? भागो, लेकिन पहले अपना घर सुरक्षित कर लेना। नहीं मतलब तुम दूसरे के घर की लड़की लेकर भागोगे तो तुम्हारे घर की भी तो लड़की कोई लेकर भाग सकता है। ये बात तो सही है। सही है। अरे यार, गाने से पहले सोच लिया करो कि क्या गा रहे हो। माना कि गाना इंटरटेनमेंट के लिए होता है, मगर बहुत सारे लोगों पर इसका असर भी होता है। ठीक है, तो चलो अभी गाना बदलो। चलो बच्चन जी, लाइन चेंज। ओके, हाँ अब थोड़ा बहुत सही है,
मगर फिर भी ये जो भागने का तरीका है ये सही नहीं है। अरे भागने का इतना शौक है तो दौड़ में भागो, फौज में भागो, देश का नाम रोशन करो। लड़की लेकर भागना तो कायर लोगों का काम है। हाँ फिर लड़की लेकर भाग रहा है। सॉरी सॉरी भूल गए थे। हाँ थोड़ा संभाल के लीजिए, हो गया गठबंधन। वाह क्या गठबंधन कराए हो। ये गठबंधन नहीं नाड़ा बंधन है। इन्हें देखो ऐसा लगता है कि भाई साहब नाचने नहीं जंग लड़ने आए हैं। नहीं देख रहे हो थोड़ा सा बच गई नहीं तो लात मार के लौंडिया तोड़ दिए होते। कहाँ के फोटो खींचे ना देव, शर्ट के जरी फोटो, शर्ट के जरी की स्कर्ट के जरी। अरे सीधे सीधे बोलो गुफा का फोटो खींचे ना देव। कलर ब्लू रेड। एक मिनट ये ब्लू रेड से मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? चप्पल पवन सिंह का। ओ हाँ पवन सिंह का चप्पल। रीजन है कि पवन सिंह जो है एक चप्पल पहने हुए हैं तिरंगे वाला। बताइए एक कहाँ का देशभक्ति है। तो यार आज तक हमने सिर्फ सिंगरों के गाने और एक्टरों के एक्टिंग पर ही बात की है, मगर आज हम चप्पल पर बात करेंगे। है ना आठवां अजूबा। साजिश है या सच्चाई, फुल कंट्रोवर्सी। आज तो कंगना रनौत भी फेल हो जाएंगी। तिरंगे का अपमान पड़ेगा महंगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, इतनी फुर्सत है प्रधानमंत्री के पास? वाह पागल हो गया है पवन सिंह। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। माचो दूंगा ऐसे चूतियों का। 4 साल से चैनल पर कुत्ता भी ना मूते तो बनते हैं ऐसे थंबनेल। इनकी माँ नहीं है वे, आसमान से टपके हैं ये। आखिर क्या है पवन सिंह के इस चप्पल का राज? राज यही है कि इस चप्पल से तुम कितनी बार पिटोगे। महेश पांडे अवकात मत भूल, तुम्हारा बाप हम हैं। तुझे कैसे पता कि तू उसका बाप है? कभी अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया है? बात का जवाब बात से होता है, बाप से नहीं, समझा? पवन सिंह पर लगा देशद्रोह का आरोप, इतना घटिया काम? बेटा तुमसे घटिया काम तो नहीं था। पवन सिंह के विवादित चप्पल की कीमत, ये बंदा तो अलग ही लेवल पर खेल रहा है। नहीं नोट देखो एक बार, झापड़ी के 2000 रुपए का चप्पल है और आज के जमाने में 2000 रुपए का चप्पल कोई बड़ी बात नहीं है। बंदा लंदन में है और लंदन के हिसाब से 2000 रुपए कोनो बड़ी बात नहीं है। ठीक है अब आते हैं मुद्दे पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने तिरंगे कलर का चप्पल पहन करके तिरंगे का अपमान किया है। पहली बात तो ये कि पवन सिंह के निचवा वाला में लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? निचवा वाला मतलब चप्पल हवा। अब देखो कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि चप्पल 3 कलर का है तो ये तिरंगा हो गया। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बाप की शक्ल से मिलता जुलता अगर कोई इंसान दिख जाए तो उसे बाप मान लोगे? नहीं ना। कहीं पर भी 3 रंग एक साथ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे देश का तिरंगा हो गया। ठीक है तिरंगे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तिरंगा ऐसा होता है। अपने देश के झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में एक अशोक चक्र भी है। सही है। और चप्पल का जो कलर है वो है लाल, सफेद और बैगनी, ब्लू इंग्लिश में बोलते हैं। सही है। तो ऐसे ही किसी को देशद्रोही बना दोगे यार? हैं? देखो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से अगर आप पवन सिंह का पैर खींच रहे हो कि जैसे कि वो बीजेपी से हैं आप किसी और पार्टी से हो तो इस हिसाब से अगर आप उनका पैर खींच रहे हैं चलो मैं कुछ बोलूँगा फिर वो कुछ बोलेंगे फिर एक मुद्दा बनेगा फिर पॉलिटिक्स करेंगे मज़ा आएगा, ऐसा अगर आप चाहते हो तो ठीक है पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, पता है ना आप सबको। मगर मुझे पॉलिटिक्स में चवन्नी भर का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं हमेशा उसी का साथ दूंगा जो सही है। सही है।
अब वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का, या किसी भी पार्टी का, किसी के पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर ना आई हो तो फिर से देख लो, शायद समझ में आ जाए। उसके बाद भी ना आए हम क्या कर सकते हैं, जो चाहे करो। और हाँ, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो लाइक जरूर करना, और जरूर करना, और करना जरूर, क्योंकि लाइक बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई ना जबरदस्ती थोड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।